तो दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले हैं बैंक निफ्टी कल कहाँ ओपन हो सकती है और किस तरह का बिहेवियर हो सकता है, कैसे कल ट्रेड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि हमारा आज का जो हम लोगों ने प्री ओपन मार्केट के व्यू को देखा था उसमें क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सिंपल सा डिस्कशन था, जैसा कि आप लोगों को पता है शॉर्ट्स प्रोवाइड करता हूँ मैं मॉर्निंग वाले में, तो 1 मिनट का ही होता है, तो उसी में हम लोग सारी चीजें देख लेते हैं। तो सिंपल सा मैंने रखा था ओपनिंग बैंक निफ्टी की 41,400 के आसपास हो सकती है, और ये 425 के आसपास इसकी ओपनिंग हुई थी, 41,425 के आसपास, तो इतना तो चलता है ना। तो चलो फिर हम लोगों ने क्या किया था कि ओपनिंग लेवल अगर होल्ड करे तो हम लोग फिर क्या देखेंगे, ओपनिंग लेवल होल्ड करने के बाद हम लोग देखेंगे 41,500, 550, 600 और फिर मैंने आप लोगों से 658 के आसपास कहा था। तो आप लोग देखोगे ओपनिंग लेवल होल्ड किया इसने, तो फिर हम लोगों ने 500 देखा, 550 देखा और 610 या 13 के आसपास तक हम लोगों ने देखा। तो कुल मिला के ऊपर के लेवल्स काम करते, देखो कोई भी लेवल्स जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हो, लेवल्स प्री ओपन मार्केट व्यू देख रहे हो, तो आप लोग जानते होंगे कि मेरे लेवल्स कैसे काम करते हैं। तो चलो आप लोग इसी लेवल पे ही ट्रेड करना, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो लेवल प्रोवाइड करता हूँ उस पे ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कल कहाँ क्या कैसे हो सकता है। मान लो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और 9:30 तक इधर रहने के बाद अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, 41,683 पहला हम लोग टारगेट देखेंगे, ठीक है। फिर 720 का टारगेट देखेंगे, फिर क्या होगा हम लोग 795 देखेंगे, ऊपर की ओर हम लोग बात कर रहे हैं। और अगर 800 होल्ड करता है तो फिर से हम लोग कल ही 41,900 इजी वे में देख लेंगे, अगर ये सारे लेवल्स हम लोगों ने ऊपर के लिए डिस्कस कर लिए हैं। और नीचे आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, अगर 41,450 के नीचे अगर जाता है तो फिर हम लोग इसको 41,200 और 41,100 तक भी देख सकते हैं। तो इस तरह के ही लेवल हैं, और अगर गैप डाउन जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ ही अगर कहीं खुलता है तो फिर ये सारे लेवल्स ही देखेंगे, और फ्लैट खुल के अगर भी अगर ये लेवल के नीचे जाता है तो भी हम लोग ये सारे लेवल्स देखेंगे। देखो मैं सीधा सिंपल कट टू कट रखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को कोई इसमें डाउट ना रहे। लेवल्स वर्क कैसे करते हैं आप लोग जान रहे हो, समझ रहे हो जो फॉलो कर रहे हो, फिर से मैं यही कहूंगा, तो लेवल्स के बेस पे ही करो, और हमेशा ये याद रखो कि जो लेवल्स हैं उस बेस पे करो ट्रेड। अगर ट्रेड चलता है आपका तो अच्छे खासे, देखो मैं आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं जो लेवल्स आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ तो लेवल्स के बेस पे मैं आप लोगों को चिंदीगिरी करने के लिए नहीं कहता हूँ। ये हमेशा आप लोग याद रखना कि 10 पॉइंट ले लो, 20 पॉइंट ले लो, ऐसा इसके लिए मैं आप लोगों को ये लेवल्स नहीं देता हूँ, है ना। तो लेवल्स में आप लोगों को ट्रेड मिलते हैं और अच्छे खासे 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, ऐसे भी कभी कभी 600 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो उस तरह से ही चीजों को देखना है। और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मैं कुछ दिनों में कोशिश करूंगा, देखता हूँ किस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि ऑफलाइन में तो मैं इन चीजों को प्रोवाइड करता हूँ बट ऑनलाइन में ये सारी चीजें मैंने नहीं लाया है। तो फिर भी देखते हैं 600 प्लस पॉइंट्स कैसे कैप्चर किया जाए, वो भी इंट्रा डे में। तो इन चीजों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं प्लान कर रहा हूँ, देखता हूँ किस तरह से आप लोगों का सपोर्ट रहा तो फिर इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सपोर्ट पे ही डिपेंड करती हैं, तो देखता हूँ लेट्स सी आगे कैसा क्या होता है। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्रीवी प्री जो ओपन मार्केट व्यू होता है उसमें तो हम लोग मिलते ही हैं, और मैं आप लोगों को प्रॉपर वहां पे, आप लोगों को पता है कि 1 मिनट में ही पूरा हम लोग क्रक्स उसमें देख लेते हैं। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।